नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दिल्ली पहुंचे सिंधिया और फडणवीस कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंगलवार रात को दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में आज दोनों की मुलाकात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होनी है। उनके दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत गर्मा गई है। हालांकि अजीत पवार दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वे इस समय बीमार चल रहे हैं। सिंधी और फडणवीस के दिल्ली दौरे के दौरान शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति बन सकती है। सूत्रों के अनुसार सीएम और डिप्टी सीएम ओबीसी और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा समय में अजीत पवार गुट भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रालयों में हस्तक्षेप कर रहा है। कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज है। वहीं सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार की बात की जा रही है, लेकिन अभी 14 पदों के लिए फार्मूला तय नहीं हो पाया है। बीजेपी इन 14 में से 10 पद अपने पास रखना चाहती है, लेकिन शिंदे और पवार इसमें चार चार पद मांग रहे हैं। वह मंत्रियों के संरक्षण मंत्री के पद वितरण को लेकर कोई सहमति अभी नहीं बनी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।